गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम पारुल एंड टूडेज अवर द न्यू टॉपिक मिनरल्स एंड रॉक्स, क्लास 11th चैप्टर 5th. ओके, बुक्स का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. सो लेट्स वी स्टार्ट. द अर्थ इज कंपोज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स. पृथ्वी जो है विभिन्न तत्वों से मिलकर बनी है. दीज एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म इन आउटर लेयर. आउटर लेयर पर ये जो एलिमेंट्स हैं सॉलिड फॉर्म में है. द अर्थ इज हॉट एंड मोल्टन फ्रॉम द इंटीरियर. अर्थ जो है अंदर से गर्म एवं पिंगली अवस्था में है. अबाउट 90% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कम्पोज ऑफ 8 एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. पृथ्वी जो है 98% भाग जो है उसका 8 एलिमेंट से मिलकर बना है. वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम, जैसा कि टेबल नंबर 5.1 में दिखाया गया है. एंड द रेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट बाय द टिटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल एंड अदर एलिमेंट्स. इसके अलावा जो अदर है 1.4%, उनमें टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल और अन्य एलिमेंट्स हैं. द एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर रियली फाउंड एग्जिस्ट एक्सक्लूसिवली बट द यूजुअली कंबाइंड विद द अदर एलिमेंट्स टू मेक वेरियस सब्सिस्टेंस. अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले एलिमेंट्स अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि ये तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर दूसरे मटीरियल को बनाते हैं. These subsistence are recognized as minerals, और जिनको हम खनिज कहते हैं. Though the number of elements making up the lithosphere are limited, they are the combined and many different ways of makeup, many varieties of minerals. लेकिन आपस में इनका जो संयोजन है वो विभिन्न तरीके से होता है. जो जिन चीजों से अर्थ का जो ऊपर पार्ट है वो कंपोज हुआ है, उसमें जो मिनरल्स है उनका आपस में जो कंपोजिशन है वो अलग अलग तरीके से हुआ है. देयर आर एटलीस्ट 2000 मिनरल्स दैट हैव नेम्ड एंड आइडेंटिफाइड इन द अर्थ क्रस्ट. खनिजों की अनेक किस्में हैं. अर्थ पे कम से कम 2000 प्रकार के खनिज को पहचाना गया है और जिनको नाम भी दिया गया है. बट ऑलमोस्ट ऑल द कॉमनली ऑकरिंग वंस आर रिलेटेड टू 6 मेजर मिनरल्स ग्रुप दैट आर नो एज द मेजर रॉक्स फॉर्मेशन मिनरल्स. लेकिन इनमें से सामान्यतः लगभग 6 प्रकार के खनिज समूह संबंधित है जिनसे सेलों का निर्माण हुआ है और खनिज बने हैं. ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन. द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स इज नॉट हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा सभी खनिजों का मूल स्रोत होता है. When magma cools, crystal of minerals appear and a systematic series of minerals and found in sequence of solidify, so as the forms of rocks. जब मैग्मा ठंडे होने से खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं, तब इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर सेल बनाता है, खनिजों में एक क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है. मिनरल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक सब्सिस्टेंस फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज फॉर्म रिस्पेक्टिवली. कोयला, पेट्रोलियम एवं गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ ठोस, तरल एवं गैस रूप में पाए जाते हैं. कुछ मिनरल्स दिए गए हैं जिनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मेजर किया गया है. फर्स्ट है आपका एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म determined by internal arrangement of the molecules, cubes, hexagonal and the prism etc. चमक के अकॉर्डिंग आपने इसको कैसे डिवाइड किया है. रंग के बिना किसी भी पदार्थ की चमक नहीं हो सकती. प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे मेटलिक, रेशमी और ग्लोसी. नेक्स्ट इसमें आपका आएगा कलर. स्टूडेंट, कल हम इसके सारे के सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल कैरेक्टर